हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में स्पेशली जितने भी आपके बीटेक के एस्पायरेंट्स हैं, जिन भी बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है, आप जिस भी रेस्पेक्टिव काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस टाइम पर एक मेजर डाउट जो बच्चों के मन में आ रहा है कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से रखी जाए, किस तरीके से हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करें जिससे कि हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज में हमारी मनपसंद जो है ब्रांच मिल पाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए 5 ऐसी बातें बताने जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। प्लस बहुत ही सारी हमारे पास कॉल्स आ रही है, उन बच्चों को भी मैं इन्हीं की हेल्प से बट एक पर्सनल और प्राइवेट हेल्प देते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, सिर्फ 5 बातें बताऊंगा आपको जो आपको ध्यान रखनी है अपनी प्रायोरिटीज सेट करते समय। सबसे पहली पॉइंट है बेटा, अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करो। बहुत सारे बच्चे मैंने कंफ्यूज देखे। आप पहले तो ये क्लियर कर लो कि आपको कॉलेज चाहिए, मतलब सर मुझे ये कॉलेज चाहिए, सूरजमल चाहिए फॉर एग्जाम्पल, उसमें कोई भी ब्रांच चलेगी, CS, ITE, CEEE चलेगा, बट मुझे सूरजमल ही चाहिए। एक ये टाइप के बच्चे हैं। दूसरे, सर मेरे को अग्रसेन मिल जाए, सूरजमल मिल जाए, विद्यापीठ मिल जाए, पर मेरे को CS चाहिए, कोई भी कॉलेज मिल जाए। तो आप पहले इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन हटा दीजिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्यूचर करियर गोल्स डिसाइड कर लीजिए कि इस तरीके से हम स्टेप्स लेंगे तो हमारा जो है एक बैकअप प्लान लेके चलिए। आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप कौन सी प्रेफरेंस को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो कि यही सबसे मेन पॉइंट है जहां पर बच्चे मैक्सिमम मुझे कन्फ्यूज होते हुए देखे। सेकेंड पॉइंट, डिसाइड कर लो लोएस्ट कॉलेज। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मुझे कॉलेज सूरजमल चाहिए, उसमें चाहे मेरे को लोएस्ट से लोएस्ट ब्रांच मिल जाए, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे होते हैं, सर मुझे CS ही चाहिए। अब वो CS मुझे अग्रसेन में मिले, HMR में मिले, NSIT में मिले, जो भी है मेरे को मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने प्लान बना के रखा है इस तरीके से मैं IT की तैयारी करूंगा, इस तरीके से मैं प्लेसमेंट लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट विद योर प्रायोरिटी। यानी कि अगर मेरे को चाहिए, मुझे USIT मेन कैंपस में CS चाहिए, अग्रसेन में CS चाहिए, सूरजमल में CS चाहिए, तो मैं टॉप पर सिर्फ वही प्रायोरिटीज लिखूंगा। बट प्लीज़ बच्चों, एक इधर एक स्टार करके एक बात बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अपना रैंक चेक कर लीजिएगा। मतलब रैंक के हिसाब से मैं आपको ये बता सकूँगा कि किन किन कॉलेजेस में आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उसके लिए आप मेरे को प्राइवेटली कॉल भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ आर यूट्यूब चैनल रामरूप शर्मा, जिसमें कि आपको जस्ट 500 रुपीज पे करना है और उसमें प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको कराऊंगा आपकी IPU प्लस JAC की काउंसलिंग के लिए। खैर, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रायोरिटी किस तरीके से सेट करनी है वो आपको ध्यान रखना है, प्लस ऑलवेज मेक अ बैकअप। ऐसा नहीं है कि आप रैंक भी देख के चलो यार, उस रैंक पे आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रियलिटी चेक लेकर आपको रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी ऐसे बंदे से बात करनी पड़ेगी जो पिछले 4-5 साल से इस फील्ड में रहा हो, ठीक है। आप हमसे भी बात कर सकते, किसी से भी बात कर सकते, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा बैकअप तैयार रखें। बच्चे क्या कर रहे हैं, 6-7 अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी, उसके बाद बस सर मेरा यही है, इसी में से मिल जाएगा। भाई अगर नहीं मिला उन 6 में से तो आप लोग नीचे बैकअप प्लान तैयार रखिए। अब चाहे उसको आप ऐसे मान लीजिए कि हाँ भाई टॉप प्रायोरिटी मेरी ये है, ये नहीं तो ये, एटलीस्ट आपके पास बैकअप रहेगा, ठीक है। चाहे वो छोटा कॉलेज हो या फिर बड़े कॉलेज में छोटी ब्रांच हो, जो भी आपका प्रेफरेंस आपने डिसाइड करी है। लास्ट स्टेप क्या है कि पॉइंटर काम कैसे करता है। मान लो आपने 15 प्रेफरेंस रखी, तो पॉइंटर हमेशा 15वें नंबर पर कूदता है, फिर 14वें पे जाता है, फिर 13वें पर जाता है, वो नीचे से ऊपर जाता है। तो आप ऊपर जितनी अपनी फेवर वाली चीज रखोगे, जितनी बेहतरीन चीज रखोगे, पॉइंटर हमेशा चाहता है कि आपको आपका बेस्ट चीज मैं दे पाऊं, ठीक है। वो पॉइंटर कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आता, पॉइंटर हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। तो ऊपर आप वो चीज़ें रखो जो आपकी रैंक अफोर्ड कर सकती है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो आपको अगर कंफ्यूजन क्लियर करना है, आइदर आप IPU का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, JAC का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में JOSA का चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स हैं। और सब्सक्रिप्शन फीस कुछ बहुत महंगा नहीं है यार, मैंने बहुत बच्चों को कॉल देखे 2000, 5000, 10000, 20000, पता नहीं कितने कितने पैसे लिए जा रहे हैं, बट वी आर ऑफरिंग यू ओनली एट
₹500 जो कि आपको पेटीएम पर पे करना है. जस्ट यू नीड टू सेंड अस द स्क्रीनशॉट एंड डेफिनेटली वील हेल्प यू थ्रू आउट दिस काउंसलिंग. ठीक है ना. सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.